तो आज हम बनाएंगे अखरोट का हलवा। और ठंडियों में ना बहुत अच्छा लगता है कोई भी हलवा खाना, और अखरोट जो कि बहुत हेल्दी है उसका हलवा आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी अखरोट ले लिया है, आप ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत कम हलवा बनाया था। ठीक है, तो अखरोट जो है उसको मैंने दूध में भिगो के रख दिया था कुछ आधे एक घंटे के लिए। ठीक है, अगर आपको नहीं भिगोना है तो आप डायरेक्ट भी उसको थोड़ा सा दूध ऐड करके और उसको ग्राइंड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, अदरवाइज सोक करके रखें। और उसके बाद फिर मैंने अखरोट को ग्राइंडर में मूव कर दिया और थोड़ा सा दूध डाल दिया और उसको पल्स ग्राइंड कर दिया। मतलब एक या दो बार पल्स करना है बस, ज़्यादा पल्स नहीं करना है क्योंकि हमको जो इसका टेक्सचर है वो कोर्स ग्राइंडेड चाहिए, पूरा पेस्ट हमको नहीं बनाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से दरदरा पीसा हुआ है, और ये देखिए एकदम पेस्ट नहीं है, ये दरदरा पीसा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एक कटोरी में मूव कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि कितनी क्वांटिटी है। तो ये देखिए एक कप, एक कटोरी जितनी क्वांटिटी है। उसके बाद हम घी डालेंगे, एक कटोरी जितना अखरोट है ना उतना घी डालना है, उससे कम भी चलेगा। ठीक है, उतना घी डालना है पैन में, और उसमें फिर ना आटा डाल दिया है मैंने थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना ज़्यादा आटा डाला है, पर आपको अखरोट का प्रॉपर हलवा बनाना है। मैंने ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि मुझे क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए था, बट अगर आपको प्रॉपर अखरोट का ही चाहिए तो आप थोड़ा सा कम आटा डालें। मतलब कि अगर एक कटोरी अगर आप अखरोट ले रहे हैं तो फिर 1/4 मतलब चौथाई हिस्सा जो है वो आप आटा लें सिर्फ कंबाइनिंग के लिए। ठीक है, और इस तरह जब ये बिस्किट कलर हो जाए ना आटे का, तब वो जो अखरोट वाला जो ग्राइंडेड दरदरा वाला था ना वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, और जब आप रोस्ट करेंगे ना तो ये देखिए इस तरीके से कुछ टेक्सचर आ जाएगा। इसको अच्छे से रोस्ट करना है, और आपको पूरा जो प्रोसीजर है पूरा आपको लो फ्लेम पे बनाना है, अदरवाइज जल भी सकता है। ठीक है, फिर जिस दूध में हमने पिसा के रखा था अखरोट को, ठीक है, वो हम पूरा इसमें डाल देंगे, और ऊपर से और दूध डालेंगे हम, क्योंकि ये देखिए आप देख सकते हो कि इसने पूरा सोख लिया है, तो दूध इसमें थोड़ा डलता है। ठीक है, और ये देखिए दूध डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और भूनना है इसको बहुत अच्छे से। यहाँ पे मैंने पिसी हुई शक्कर ली है, 1 कप ली है। ठीक है, 1 कप पिसी हुई शक्कर ली है मैंने यहाँ पे, और साथ में उसमें इलायची का पाउडर भी था। तो ये देखिए इस तरीके से, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इलायची पाउडर डालें, बट मैं जस्ट बता रही हूँ। और ये देखिए इसको इतना अच्छे से भूना है कि ये पूरा सेपरेट हो गया है पैन से, तो इतना अच्छा आपको भूनना है पूरे हलवे को। ठीक है, और ये देखिए पूरा भून भून के अब इसका ना घी पूरा सेपरेट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम जो ड्राई फ्रूट्स अगर इसमें डालना है आपको, तो साइड में आप इसी में ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है काजू बादाम जो भी है वो आप इसी में ही रोस्ट कर लें, क्योंकि ये भी घी है तो थोड़ा सा साइड करके, और लो फ्लेम पे चल रहा है तो जलेगा नहीं इतनी जल्दी। तो ये देखिए इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे साइड में, और बहुत अच्छे से जब रोस्ट हो जाए तब हम इसको पूरे को मिक्स कर देंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो हलवे के अंदर भी चले जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से और इसको भूनना है, थोड़ा 5-10 मिनट और भूनना है। भूनते भूनते ये हमारा हलवा जो है वो रेडी हो गया है, आप सर्व कर सकते हैं, और ऊपर से ड्राई फ्रूट थोड़ा गार्निश के लिए डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि शक्कर अखरोट सेम क्वांटिटी का लेना है। ठीक है, और जो दूध है वो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा डलता है ऊपर से। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिए, और आटा जो है वो चौथाई हिस्सा लेना है, बहुत कम लेना है सिर्फ बाइंडिंग के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।